बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के सम्मान मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अमिताभ बच्चन को यह सम्मान दिया। इस मौके पर अमिताभ ने भारत की जनता को इसके लिए धन्यवाद दिया है। सम्मान मिलने के बाद बच्चन ने भारत की सरकार, ज्यूरी के सदस्यों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद के अलावा भारत की जनता के प्यार की बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। अमिताभ ने कहा कि जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मेरे मन में सवाल आया, क्या मेरा काम पूरा किए जाने या रिटायरमेंट लिए जाने का यह संकेत है? तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मुझे अभी बहुत काम करने हैं। इससे पहले अमिताभ को 23 दिसंबर को यह सम्मान दिया जाना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से अमिताभ सम्मान लेने नहीं पहुंच पाए थे। इसी वजह से अमिताभ को 29 दिसंबर को इस सम्मान से नवाजा गया। बता दें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। भारतीय सिनेमा में किसी व्यक्ति विशेष के खास योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सबसे पहले 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था।